नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु के नजदीक जीटी रोड पर दो लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर लूटी कार। बाबा बकाला मोड़ पर पुलिस ने एक लुटेरे को किया काबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नाभा ब्लॉक के गांव कल्लर माचरे के 45 वर्षीय किसान की तारीफ, गांव की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को जालंधर में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सुना की तारीफ। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु के नजदीक जीटी रोड पर लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर एक कार छीन ली, तो वहीं पुलिस की मुस्तैदी से लुटेरों को बाबा बकाला के नजदीक से काबू किया गया। तो वहीं जसपाल सिंह वासी हिमाचल प्रदेश ने बताया कि वह अपने दोस्त जगजीत सिंह को दुबई जाने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रहा था कि इस दौरान जंडियाला गुरु जीटी रोड के बाहर तड़क सार वे कुछ समय आराम करने के लिए वहां रुके, जहां कुछ ही देर में दो मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर उनसे उनकी कार को छीन लिया। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस की मुस्तैदी से कार और एक लुटेरे को काबू कर लिया गया और जंडियाला गुरु के SHO की मदद से उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहीं उन्होंने पुलिस का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी कार बरामद की और दोषी को भी पकड़ा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अपने कजन दुबई की फ्लाइट सी तो अमृतसर छड़न आए थे हिमाचल तो। अच्छा जी। तो मैं रात में चले तो सवेरे जो 6 बजे असं इतने जंडियाले इतने पहुंचे तो जंडियाले टोल टैक्स के पिछले आप थोड़ी रुकड़े थोड़ी झपकी लैन लिए असं गड्डी रोकी। अच्छा। तो उत्थे असं आराम करन लगे तो 2 मिनट होए थे तो नाल ही साडी गड्डी दे शीशे नूं नॉक किया उन्होंने। अच्छा। कोई दो संदिग्ध मुंडे आए, बाइक पर आए थे जी। अच्छा। उन्होंने नॉक किया तो वो बाहर कहते बाहर निकल पाई। असं बोले जी कहूँ उन्हें फिर उपर फायर किया, एक गन कढ़ी फायर उपर किया तो असं डरते मारे अभी निकले। कहते दूजा फायर नहीं होगा, दूजा फायर तेरे पर ही होगा। आप निकले बाहर, आप गड्डी छड़ दी, वो गड्डी बैठा तो उन्हें यू टर्न मारिया गड्डी लै गया। अच्छा। असं थोड़ा जा अगे जान लगे तो पिछले तो फिर आया गड्डी लैके तो उदी मेरी गड्डी की चाबी मेरी जेब च सी, मेरी गड्डी थोड़ी पोस्ट स्टार्ट बटन है तो ये करके वो जेब च रह गई। तो वो वापस आया गड्डी चाबी लैन और उन्हें बोलिया कि ATM के पिन भी दे अपने। अच्छा। कि जेडे भी ATM के पिन, मैं ठीक है दे, मैं वो देते उन्होंने गन पॉइंट फिर रखे मेरे पर कि ATM के पिन दे दे। फिर मैं उन्होंने पिन वगैरह दते तो वो बाद चो जदों वापस आया मैं उन्होंने एक गल बोली, मैं भाई जी अपने लगेज वगैरह दे दो, सानू जरूरत है इस चीज़ की। कहना कोई नहीं, उन्हें लगेज वगैरह सानू देते, जेड़ा यार दोस्त मेरा कजन सीगा वो बाहर जाने वाला उसे सारा उन डॉक्यूमेंट सानू वापस दे देते। अच्छा। फिर जो वापस गड्डी वापस फिर लै गया। उस बाद चो जो मैं फोन किया पुलिस को तो पुलिस के बलविंदर सिंह जी भुल्लर इतने के SHO मैंने हूँ पता लगे इतने आगे तो मौके से बड़ी जल्दी मौजूद हो गए और उन्होंने बड़ी ही जल्दी उन्होंने एक चीज़ की बड़ी मैं कोऑपरेट किया साढ़े नाल। जो मेरा कजन सीगा उन्होंने फटाफट अपनी निजी गड्डी तो अपनी प्राइवेट गड्डी तो उन्होंने पहले उत्थे भेजे जी एयरपोर्ट, मैं नाल गया छड़न। तो उत्थे ते जदों मैं छड़ के वापस आ रहा था मैंने पता लगे कि मैंने थाने तो फोन आया कि तुहाडी गड्डी भी रिकवर की गई। बड़ी ही जल्दी चीज़ नूं रिकवरी मैंने बड़ा अच्छा लग्या इस थाने का रसूख कि इन्होंने बड़ी जल्दी इस केस नूं हैंडल किया। नाभा ब्लॉक के गाँव कल्लर माचरे के एक 45 वर्षीय किसान बीर दलविंदर सिंह ने पंजाबी यूनिवर्सिटी से MTech की कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की हुई है और उन्होंने कुछ वर्ष गुड़गांव में नौकरी भी की। पैतृक खेतीबाड़ी के धंधे को संभालने और आधुनिक तकनीक द्वारा खेती करने के लिए उन्होंने वर्ष 2008 में नौकरी छोड़कर खेती करनी शुरू कर दी थी। वे आज लगभग 60 एकड़ में गेहूं, चावल, मक्की, आलू और मूंगी की खेती करते हैं। वे उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय और तकनीकी शिक्षा का उन्हें इस कृषि के क्षेत्र में पूरा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्ष 2012 से खेती के अवशेषों को आग लगाने से किनारा किया और गांव वासियों को भी हवा पानी बचाने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम यह निकला कि वर्ष 2017 से पूरे गांव ने पराली को आग ना लगाने का फैसला किया। वहीं उन्होंने किसानों को खेती के अवशेषों की महत्ता एवं वातावरण को बचाने की मुहिम को जारी रखा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, जिसके बाद गाँव के आसपास के किसानों ने भी पराली को ना चलाने का फैसला कर लिया, जिसका परिणाम पूरे पंजाब में देखने को मिल रहा है। वहीं वर्ष 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनके गांव की तारीफ की गई और उन्होंने बीर दलविंदर सिंह को उनके इस कार्य की बधाई भी दी।
इस मौके पर किसान वीर दलविंदर सिंह ने कहा कि जो उन्होंने पराली को ना जलाने का बीड़ा उठाया था वह आज सफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ विशेष तौर पर बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए वे बेहद खुश हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मैंने 2012 के विच लब गया भी इहदा हल भी खेत दे विच या तां इहनूं पराली नूं खेत दे विच मलाई जावे या फिर हैप्पी सीडर राहीं या फिर मलचिंग राहीं खेत दे विच कणक की बिजाई की जाए, पर समय दे नाल असी देखिया भी इहदे जिहड़े भी टेक्नीकां अपलाई कीतियां उहनां दे सारिआं दे विच बहुत वधिया रिजल्ट मिले। 2017 दे विच असी अपना पिंड कलर माजरी नूं असी सोचा भी इहनूं अग रहित करिए, साडे पिंड दे सारे किसान इस गल नूं राजी हो गए। असी 2017 दे विच सारे पिंड ने 0% बर्निंग की, उस दे नाल साडा पिंड एक लाइमलाइट च आया, हाईलाइट होया। तो 2017 दे विच फिर यूनियनस कई किसान जिहड़े सीगे उन्हां नूं समझ नहीं सी आ रही भी की कर रहे हैं, उन्होंने भी विरोध का सामना करना पिया सानूं, पर असी उन्होंने समझाया भी यह जिहड़े अग लगती है ये समुचे लोगों सारियां मुश्किलों का सामना करना पैंदा। तो असी इस चीज़ को अगे 2017 तो हुण तक 2022 तक असी खेतों के अग नहीं लाई साढ़े सारे पिंड ने। तो इस चीज़ को देखते हुए 28 अक्टूबर 2018 के श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस गल की आवाज़ पता लगी, फिर उन्होंने साढ़े पिंड का नाम मन की बात के 28 अक्टूबर 2018 के लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड था, जिसके चलते देश भर में प्रत्येक राज्य व जिले में लोगों द्वारा इस एपिसोड को बड़े ही ध्यान से सुना गया, जिसके चलते बाबा बुड्ढा जी पार्क जालंधर के नजदीक LCD लगाकर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया, जिसमें SC कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर एक नूर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान प्रदीप खुल्लर, युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, रमेश शर्मा, राकेश कश्यप, मनोहर लाल भगत, गोल्डी भाटिया, डॉक्टर मौलिक नंदा, सुनील चोपड़ा, सुरजीत सिंह भुल्लर, विंकल बिल्ला और राजकुमार राजू सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी वो जो हर महीने अपने दिल की गल जिन्हों अपना मन की बात कार्यक्रम का नाम वो दिता, वो हर महीने लास्ट ऐतवार अखीरी ऐतवार जो कार्यक्रम करते हैं, तो अज उस एपीसोड 100वां एपीसोड अज हो जा रहा है। अज असी वार्ड नंबर 73 के विधानसभा जलंधर वैस्ट के एक नूर वेलफेयर सोसायटी वालों एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम के मुख मेहमान के तौर पर बहुत सत्कारयोग श्री विजय सांपला जी चेयरमैन SC कमीशन भारत सरकार वो विशेष तौर पर अब पहुंचे है, उन्होंने इतने पहुंचने से निघा जी आयान उन्होंने नाल बहुत सत्कारयोग श्री रमेश शर्मा जी सांपला जिला प्रधान भाजपा वो पहुंचे जी आयान उन्होंने नाल साढ़े जुझारू आगू जलंधर वैस तो श्री रॉबिन सांपला जी वो पहुंचे उन्होंने इतने पहुंचे जी आयान। मन की बात का 100वां एपिसोड, मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊंगा, देख पाऊंगा, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं दरअसल बधाई के पात्र को आप सभी मन की बात के श्रोता हमारे देशवासी,
मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था। प्रधानमंत्री जी का आज 100वां एपीसोड जो मन की बात का असी सारे ने अज इत्थे देखिया, और असी देख जानते हैं कि 100 महीने हो गए, मान लो 8-9 साल हो गए, 9 साल हो गए कि जिहड़ा है प्रधानमंत्री जी लोगों के नाल उन्हां दी बहुत गंभीरता दे नाल जुड़दे है, और हर क्षेत्र की वो खबर भी रखते हैं, क्योंकि जो मन की बात दे विच अपनी गल लोगों तक दसते हैं तो लोग भी उन्होंने हर क्षेत्र तो अपना रिस्पोंस भी देंगे ने, और उदे नाल प्रधानमंत्री जी नू पूरी जानकारी भी पहुँचती है कि देश कित्थे कित्थे की हो रहा, उन्होंने देश के नागरिक किहो जिहियां मल्लां मार रहे हैं, कितने दूर दूर बैठे जिथे सुख सुविधावां भी नहीं उत्थे भी किस तरीके ने एक अच्छी भावना के नाल लोग सेवा कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी उन्होंने उस तो बाद मिली। और एक मन की बात दे लई उन्होंने विशेष रूप से आकाशवाणी नू रेडियो का जिहड़ा आ उन्होंने उपयोग किया, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जिथे कोई तंत्र नहीं जाता उत्थे रेडियो जिहड़ियां उन्हां दे जिहड़े सिग्नल उत्थे पहुँचते हैं, और लोग जिहड़े पिंडां च देहात दे विच वो रेडियो के माध्यम के नाल प्रधानमंत्री जी सारी गल भी सुनते हैं, और अज असीं देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिकल्प जिहड़े आ देश दे विच बहुत वड्डियां उन्नतियां ते गए। उहदा कारण सी कि प्रधानमंत्री जी दी नज़र च जदों उह आईआं चीज़ां तो उन्हां नूं प्रमोट भी होया। अमृतसर में रंग पंजाब मंच रेस्टोरेंट ने पंजाब के गांवों के पुराने माहौल की याद एक बार फिर से ताज़ा करवा दी। उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग खाना पीना पहरावा और शगुन का सामान तिजोरियों और संदूकों में रखते थे। ये सारी चीज़ें रंग पंजाब मंच रेस्टोरेंट में देखने को मिली। रंग पंजाब मंच रेस्टोरेंट की ओर से विशेष तौर पर बीजेपी के स्पोक पर्सन शहजाद पूनेवाला अमृतसर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूनेवाला ने कहा कि पंजाब अपने स्वाद सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी लोग अमृतसर आते हैं तब अमृतसर में संस्कृति का अनुभव श्री हरिमंदिर साहिब में देखने को मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि रंग मंच रेस्टोरेंट के भोजन ने उन्हें पुराने गांवों के माहौल की याद ताज़ा करवा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अकाली दल के साथ गठबंधन को नहीं तोड़ा और ना ही वे इसे जोड़ने पर कुछ बोल सकते हैं, इसका तोड़ने वालों को पता होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश विकास की राहों पर अग्रसर है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रंग पंजाब मंच रेस्टोरेंट के न्योते पर वे यहां आए हैं। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए रंग पंजाब मंच के किरण ढिल्लों ने कहा कि उन्होंने लोगों को उनके पुराने पंजाबी सभ्याचार के साथ जोड़ने की एक कोशिश की है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो अज असी एक साल कंप्लीट कर लिया रंग पंजाब का, इतने असी टाउन हॉल चा गोल्डन टेंपल के चवान खो रहे हैं, तो अज असी एक प्रॉपर इवेंट क्रिएट किया जिदे जब तक एग्जीबिशन की है जिसे अपने सारे लोकल आर्टिजन आ के अपना जोड़ा है कला इतने दिखा रहे हैं, है, सैल कर रहे हैं। है। दूसरा असी एक इवेंट क्रिएट किया जिस बड़े स्पैशल गैसट आए हुए हैं जिदे असी पूरा जोड़ा साडा रेस्टोरेंट का कल्चर है जोड़ा पंजाब का कल्चर अपने खाने का वो असी एक्सपीरियंस करा सकते। मैम लगता कि लोग पंजाबी कल्चर तो दूर होते जा रहे हैं? देखो जी बड़िया चीज़ा चेंज हो चुकी हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाल नाल दोनों चीज़ के अच्छे इफेक्ट भी होंगे, बैड भी होंगे। चंगे ये है कि चलो आप डिवेलप हो रहे हैं, माड़े ये है कि आप जो अपने रूट्स भुलते जा रहे हैं। मैं आप पंजाब 15 साल बाद आई हूँ यही रियलाइज करके कि असी अपने रूट भुलते जा रहे हैं, असी आप जो सीखे है देखे है जो कल्चर हैगा वो तो टुटते जा रहे हैं। अपना खाना चेंज हो गया, खाने दी हैबिट्स चेंज हो गई, अज की डेट से पंजाबी खाना भुल गए, अपन रेस्टोरेंट वाला खाना पंजाबी लगन लग गया जिदे चिली क्रीम मसाले तो पता नहीं की कुछ पाया होंगे ना, इन्ना खा हैवी खाना होंगे। अपना पंजाबी खाना कभी इन्ना हैवी होंगे नहीं, आप सिंपल खाना घर बनाने हैं। अजकल के बच्चे जोड़े है वो बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड खाने बिलीव करते हैं। पंजाब अपने स्वाद सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, और जब पंजाब में अमृतसर में आप आते हैं
तो अमृतसर में हमने संस्कृति का अनुभव जो है वो तो स्वर्ण मंदिर में ले लिया, हमने सभ्यता तो पूरे अमृतसर में दिखाई दे ही रही है, और जब स्वाद की बात आती है तो रंग पंजाब के लोगों ने हमें यहाँ पर न्योता दिया। और यहाँ पर आकर जो पिंडों में खाना मिलता है, जो बहुत ही हमारे गांव का खाना है, जो हमारी भारतीय संस्कृति पंजाबी संस्कृति का खाना है, वो खाकर बड़ा दिल खुश हुआ। केवल मेरे मैं कह सकता हूँ कि पेट ही नहीं भरा है, परंतु दिल भरने का जो स्वाद आता है वो आज स्वाद यहाँ पर मिला है, और पंजाब के पिंड का खाना यहाँ रंग पंजाब में मुझे मिला है, तो मैं बहुत आभारी हूँ रंग पंजाब का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष के लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए। वहीं जालंधर में लोकसभा उपचुनावों के चलते पानीपत से मेयर अवनीत कौर यहां पर पहुंची और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को लोगों के साथ सुना, उनकी विचारधाराओं को सुना और लोगों को मोदी जी की सोच के साथ चलने और देश की तरक्की में साथ देने के लिए कहा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक्चुअली हमारे भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का आज 100th जो है एपिसोड जो है आज यहाँ पर हुआ है, और पूरे भारत के अंदर पूरे जोर शोर से जो मोदी जी के प्रेमी हैं, जो देश सेवा करना चाहते हैं, उन सब ने अपने अपने स्थानों पर जो है मन की बात का कार्यक्रम जो है सुना है। और आज उसी उपलक्ष में आज हमारे यहाँ के शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे भाई नवीन शर्मा जी के निवास स्थान के बाहर हमने मन की बात का कार्यक्रम सुना है, और उस कार्यक्रम में यहाँ के आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उनके जितने भी सगे संबंधी सब यहाँ पर पहुँचे, और हमारे मंडल 2 के नॉर्थ के जो अध्यक्ष हमारे कुलवंत शर्मा जी वो भी मन की बात में शामिल थे, और हम सब ने मिल के जो है मोदी जी के विचारों को और लोगों के जो भारत के कोने कोने में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में उनके मन की बात को जो है आज हमने यहाँ पे सुना। बीजेपी को उस समय बड़ी सफलता मिली जब वेस्ट क्षेत्र से महिला शक्ति संगठन की प्रधान पल्लवी रतड़ा की अगुवाई में 40 महिलाओं ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। इस अवसर पर बीजेपी के उम्मीदवार इंद्र इकबाल सिंह अटवाल ने इनका धन्यवाद व्यक्त किया। इस दौरान पल्लवी रतड़ा ने इंद्र इकबाल सिंह को यकीन दिलाया कि उनकी टीम बीजेपी के प्रचार के लिए लोगों के घरों तक जाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। चरणजीत पुरा नवयुवक सभा जालंधर की ओर से 32वां वार्षिक विशाल मां भगवती का जागरण बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया गया, जिसमें महंत अश्विनी शर्मा एंड पार्टी जालंधर वाले हरबंस लाल बंसी, आशीष बंसी एंड पार्टी दिल्ली वालों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व विधायक केडी भंडारी, भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, बिल्लू चड्डा, सुरेंद्र चड्डा और विपिन चड्डा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सभा के सदस्यों की ओर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री शिव शक्ति मंदिर प्रबंधक कमेटी रोज पार्क गुलाब देवी रोड जालंधर की ओर से वार्षिक मां भगवती का जागरण बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें महंत श्री मंगत राय शर्मा, दुर्गा भजन मंडली, छिन्नमस्तिका भजन मंडली, राजन मिनी, चंचल एंड पार्टी अमृतसर वालों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah,
श्री शिव शक्ति मंदिर कमेटी श्री शीतल जी का बहुत बहुत स्वागत करती है। शीतल जी ने बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, बाबा सोडल मंदिर के लिए और श्री देवी तालाब मंदिर के लिए बहुत काम किया है। महामाई से प्रार्थना है कि इनकी उम्र लंबी करे, ऐसे ये भक्तों की सेवा करते रहे। प्राचीन त्रिवेणी महावीर मंदिर कमेटी की ओर से 24वां वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते श्री बालाजी की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें केवल खन्ना एंड पार्टी ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर पूर्व CPS KD भंडारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी की ओर से माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रधान राजेंद्र शर्मा, सचिव दीपक सिंगला, कोषाध्यक्ष भगवान दास, मनीष मेहता, महिंदर पाल, विजय महाजन, रोहित गुप्ता, सतपाल बिंद्रा, दविंदर पप्पू सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। मेरे सिर पर रख दो जन्म जन्म का।
जालंधर के रामनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया और लोकसभा उपचुनावों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। इस मौके पर अशोक जस्सी, संदीप सिपा, सुभाष भगत, बिट्टू प्रधान, सोनू भगत, अमन जस्सी, विपिन, सोनू जस्सी, लक्की सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 70 दे विच श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 100वां एपिसोड मन की बात का प्रोग्राम रखा गया और साढ़े वार्ड नंबर 70 के सभी कार्यकर्ता बड़े ही सुजजे ढंग इकट्ठे हुए और उदे विच मोदी साहब जी का मन की बात चैनल ला के सारे ने प्रोग्राम बड़े विस्तार के नाल सुनिया और बहुत सुनने वाले दे विच उत्साह आया। इस दे विच असी सारे ने वार्ड नंबर 70 के कार्यकर्ता सीनियर नेतागण बिचे से और मन बनाया कि इस बारी 10 मई जिमनी चोन इंदर इकबाल सिंह जी इकबाल जी कामयाब करके और संसद दे विच कामयाब बनाना और पंजाब की शान एक भारतीय जनता पार्टी नूं जितन दे नाल मिलेगी। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें यज्ञ ब्रह्माचार्य सुशील आर्य ने विधिवत पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चारण के साथ मुख्य यजमान अनिल मिश्रा, अर्चना मिश्रा और प्रिया मिश्रा से हवन यज्ञ में आहुतियां डाल यज्ञ को संपूर्ण करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य एवं मंत्री सुनीत भाटिया ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, अक्षय, सुभाष आर्य, कुबेर शर्मा, नलिनी शर्मा, भूपेंद्र उपाध्याय, गौरव आर्य सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हमारे पास समय नहीं है कि आपसे पूरा विस्तार पूर्वक योग भी करें और ध्यान भी लगाएं। हम जल्दी ही इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि आपका कम से कम एक सप्ताह का यहाँ शिविर लगे, हम आपसे मिल करके, क्योंकि रात्रि का कार्यक्रम जो हमारा था स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किस प्रकार उन्होंने हमें हर प्रकार किस प्रकार अपने जीवन शैली कैसे बितानी है, आपने विचार किया होगा किस प्रकार। जब किसी ने अभी शिव जी भी बोल रहे थे, बता रहे थे स्वामी जी किस प्रकार पिता पुत्र का संबंध की बात कही, ठीक है माता पिता इतना क्यों जिन्होंने इनको पाला पोसा, जब हमारे बीच में से वो नहीं रहते तो हमें दुख तो बहुत होता है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जंडियाला गुरु के नजदीक जीटी रोड पर दो लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर लूटी कार, बाबा बकाला मोड़ पर पुलिस ने एक लुटेरे को किया काबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नाभा ब्लॉक के गांव कल्लर माचरे के 45 वर्षीय किसान की तारीफ, गांव की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को जालंधर में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सुना की तारीफ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।